जय माँ गंगा। आप जो जल दीजिए माँ, देखिए जल के लिए सभी आप लोगों के पास में आए हैं, आप उसे जल दीजिए। हर हर गंगे। देख सकते हैं दोस्तों, गंगा माँ आ चुकी है, यहाँ पे प्रकट हो चुकी है। तीन बार ताली बजाइए, माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे जल दीजिए। देखिए जल देंगे वो। तीन बार ताली बजाएंगे तो माँ गंगा जी मुझे जल दीजिए, जल दीजिए तो जल दे देंगे, दे देंगे वो। क्या बात है, पानी है कि नहीं वो भी दिखा दीजिए। पानी एकदम बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं पानी एकदम नहीं है। जय माँ गंगा, आप जो जल दीजिए माँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, गंगा माँ आ चुकी है, यहाँ पे प्रकट हो चुकी है। गंगा जी है, थोड़ा सा हाथ में दीजिएगा। ये देखिए एकदम शुद्ध पानी, एकदम साफ पानी गंगा जी का यहाँ पानी आ चुका है। कौन सा पहाड़ी है, कौन सा गुफा है? ये धनिया पहाड़ी है। हाँ। और ये पताल कुआं का गुफा है। पताल कुआं का गुफा है। बाबा जो है अंदर जा चुके हैं, गुफा में जा चुके हैं। कैसे मानते हैं कि गंगा जल ही है? आप गंगा पानी देख करके बोलिएगा कि गंगा जल है। हाँ। पानी देखिए एकदम शुद्ध पानी मिलेगा। हाँ। आप पी के देखिए, घर ले जा करके देखिए, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये देखिए एकदम मीठा पानी लगेगा बाबा, पानी एकदम मीठा है, एकदम मीठा है। हाँ मीठा ही रहेगा पानी। अच्छा, पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसको खत्म कर देना चाहिए, क्या बात सही है? अगर उसे खत्म करें तो पहले ही गंगा को खत्म करें। हाँ। तब साबित हो जाएगा कि अगर डेंगू है। हाँ। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बड़ा डेंगू भी तो हो सकता है सनातन धर्म। हाँ। जो कि आज तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता। कहाँ से पानी आ रहा है कुछ पता है आपको? नहीं कुछ, बस वही खाली हम लोग को पूर्वज बताते हैं कि सात खटिया का इसमें रस्सी चला गया। हाँ। आज तक इनका पता नहीं चला कि कितना गड्ढा है। सात खटिया का रस्सी इसमें चला गया है। हाँ। फिर भी पता नहीं चला। नहीं पता नहीं चला आज तक। ये देखिए गंगा जी का ये शुद्ध पानी है, एकदम साफ है, क्लीन है, और कहीं ना कहीं ये चमत्कार से कम नहीं है। अभी हम बिहार के नवादा में है, और नवादा में एक ऐसे चमत्कारी जगह है कि इसकी अगर सच्चाई जानेंगे तो सच में कह रहे हैं कि आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा क्या नाम है आपका? छोटेलाल पांडे। ये कौन सा पहाड़ी है, कौन सा गुफा है? ये धनिया पहाड़ी है और ये पताल कुआं का गुफा है। पताल कुआं का गुफा जी। हाँ। क्या कुछ इसकी सच्चाई है बताएंगे? इसका सच्चाई तो यही है कि द्वापर युग में जरासंध की लड़की जब यहाँ पूजा करने के लिए आती थी तो जल का अभाव हो गया था। अच्छा। उसको कहीं जल नहीं मिला। अच्छा। तो यही गुफा में वो बैठ करके माँ गंगा से प्रार्थना किया। हाँ। और माँ गंगा उसे जल प्रदान किया। हाँ। और यही जल से वो जाकर के गौरी शंकर हैं। हाँ। उनका अभिषेक किया। वो देख सकते हैं सनातन का चमत्कार है, जो प्रूफ करके दिखाएंगे। बाबा प्रूफ करके दिखाएंगे। हाँ तो सभी देखते हैं, कोई भी आवे देखें। अच्छा आप अगर अभी जाकर गुफा में माँ गंगे जी का आराधना करें तो माँ गंगे आ जाएंगे? जी हाँ आ जाएंगे। आ जाएंगे वो। अब जा देख सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, वैसे में हम अभी एक ऐसे सनातनी जगह पे आ चुके हैं, एक ऐसे सनातन का चमत्कार दिखाने वाले हैं जिसकी देख सकते हैं अभी माँ गंगे खुद प्रकट होंगी। प्रकट होंगी ना बाबा? हाँ प्रकट होंगी। चलिए तो हम लोग नीचे जाएंगे और थोड़ा सा देखिए बाबा कैसे जाते हैं नीचे। और ये देख सकते हैं खतरनाक पहाड़ी है, चारों तरफ थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार कैसा पहाड़ी है। और कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल से हम लोग अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद देखिए अब गुफा में कैसे जाया जाता है वो भी दिखाएंगे अभी आपको। और ये देख सकते हैं बाबा जो है अंदर जा चुके हैं, गुफा में जा चुके हैं। और देख सकते आपको भी नीचे आना पड़ेगा, इधर से आइए। अब देख सकते बाबा थोड़ा सा ये माइक पकड़ लीजिए। और देख सकते हैं कितना मुश्किल से हम लोग पहाड़ी में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं। यहाँ पे इतना मुश्किल से कैसे आती होंगी वो, माइक में बोलिएगा, कैसे आती होंगी वो? देखिए वो लोग तपस्वी थी। हाँ। वो किसी प्रकार से भी वो आ गई, आ तो गई हो तब तो ये चीज देखने को आज मिल रहा है हम लोगों को। क्या नाम बताया था उनको, जरासंध की बेटी को? धनियावती नाम था। धनियावती आया करती थी, इतना मुश्किल से आया करती थी। हाँ। देखिए ये जो गुफा है ना, ये छोटा सा गुफा है, जरासंध की बेटी धनियावती आया करती थी। और धनियावती आकर यहाँ पे पूजा के लिए, पीछे में भोले बाबा का मंदिर है, शिवलिंग है, उस पर गंगाजल चढ़ाने के लिए यहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, तो पानी के लिए, गंगाजल पानी के लिए यहाँ माँ गंगा से आराधना करती थी और माँ गंगा प्रकट हो जाती थी। क्या बात सही है? हाँ बात सही है। हाँ। वो अभी भी आप देखेंगे करके, अभी भी करके देखेंगे। हाँ, वो करके मतलब भी यहाँ पे अभी अगर माँ गंगा जी को अगर हम लोग बुलाते हैं तो आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। क्या बात है, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। देखिए करके देखिए, इतना बड़ा चमत्कार अभी भी हो सकता है? अभी भी हो सकता है। और तीन बार ताली बजाइए, माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे जल दीजिए। देखिए जल देंगे वो। तीन बार ताली बजाएंगे तो माँ गंगा जी मुझे जल दीजिए, जल दीजिए तो जल दे देंगे, दे देंगे वो। क्या बात है। देख सकते हैं माँ गंगे अभी यहाँ पे आएंगी, प्रकट होंगी, तीन बार बाबा कहेंगे माँ गंगे मुझे जल दीजिए तो आज जल दे देंगे माँ गंगा, जल दे देंगे माँ गंगा। तो देख सकते हैं गुफा पहले दिखा दीजिए पहले। ये देखिए छोटा सा गुफा है। अब पानी है कि नहीं वो भी दिखा दीजिए। पानी एकदम बिल्कुल नहीं है, देख सकते हैं पानी एकदम नहीं है। अब देख सकते हैं
अभी बाबा हैं, पंडित जी हैं, जो कि माँ गंगे का यहाँ पे आराधना करेंगे, बुलाएंगे, क्या बोलेंगे बाबा? माँ गंगा मुझे जल दीजिए, हम जल के लिए आपके पास आए हैं, माँ गंगा जल देगी। माँ गंगा मुझे जल दीजिए, हम जल के लिए आए हैं, माँ गंगा जी जो है जल दे देंगे। जी जल दे देंगे वो। चलिए देखिए, ये चमत्कार है और मैं भी पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, और कैमरे पे आप पहली बार ही आप भी ऐसा देख रहे होंगे कि माँ गंगे यहाँ पे, यहाँ से तो गंगा जी बहुत दूर होंगी। गंगा जी दूर हैं जरूर, लेकिन गंगा का तो आवाहन यही है। गंगा का आवाहन यहाँ पे, गंगा का आवाहन कहाँ है, शंकर का जटा में। क्या, और शंकर जी हमारे पास एकदम मौजूद है, पहाड़ी के गुफा में है। हाँ। और माँ गंगा भी पहाड़ी का गुफा में। तो चलिए बाबा, माँ गंगे जी को बुलाइए, थोड़ा सा कैसे बुलाते हैं आप, हम भी देखेंगे इस चमत्कार को, खुली आंखों से देखेंगे, नंगी आंखों से देखेंगे कि कैसे माँ गंगे प्रकट होती है। हाँ। हाँ। देखिए बुला। हाँ। जय जय माँ गंगा, आप जो जल दीजिए माँ, देखिए जल के लिए सभी आप लोगों को पास में आए हैं, आप उसे जल दीजिए, हर हर गंगे। देखिए आगे पानी, देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, माँ गंगे जी आ गए, माँ गंगे माँ आ गई। देख सकते हैं दोस्तों, गंगा माँ आ चुकी है, यहाँ पे प्रकट हो चुकी है। पहले दिखाया था मैंने, पानी नहीं था, पर अब दिखा दीजिए, पानी आ चुका है। ये गंगा जी है, थोड़ा सा हाथ में दीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम शुद्ध पानी, एकदम साफ पानी, गंगा जी का यहाँ पानी आ चुका है। ये देखिए, ये चमत्कार देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सनातन धर्म का जो है चमत्कार है ये, माँ गंगे आ चुकी है ये। और कहीं ना कहीं जो देख लेंगे वो विश्वास नहीं हो रहा होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा होगा, हो रहा है कि यहाँ पे जब हम आए थे तो सूखा था ये गुफा, छोटा सा जो है ये सूखा था, और बाबा ने कहा माँ गंगे आ जाइए, तो माँ गंगे सच में आ गई। और देख सकते हैं पानी का यहाँ पे कितना पानी निकल सकता है, अभी शंकर भगवान का भी शेख भर पानी निकल जाएगा। हाँ जी, मतलब इतना पानी आ जाता है जितना भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है, एक लीटर से पांच लीटर तक। हाँ, एक पानी लीटर से पांच लीटर तक पानी आ जाता है, मिल जाएगा। हाँ जी, और कैसे मानते हैं कि गंगा जल ही है? आप गंगा पानी देख करके बोलिएगा कि गंगा जल है। हाँ। पानी देखिए एकदम शुद्ध पानी मिलेगा। हाँ। आप पी के देखिए, घर ले जा करके देखिए, कभी कीड़ा नहीं लगेगा। इसको पी सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा दीजिएगा, हम पी के देखते हैं। देख सकते हैं माँ गंगा जी का पानी है, और इसको हम थोड़ा सा पियेंगे। ये देखिए एकदम मीठा पानी लगेगा बाबा, पानी एकदम मीठा है, एकदम मीठा है। हाँ, मीठा ही रहेगा पानी हर समय, जब भी आप पीजिएगा मीठा पानी मिलेगा। इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? अब ये तो भाई कहा गया है कि द्वापर का चीज है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ। इसमें तो कुछ हम लोग कह नहीं सकते। हाँ। आसपास के लोग क्या मानते हैं इसको, क्या आसपास के लोग वही मानते हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। वही आसपास के लोग मानते हैं। हाँ। और उसी के आधार पर आसपास के लोग पूजा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, यहाँ पे पूजा भी होता है माँ गंगे जी। हाँ। और देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग नवादा के एक पहाड़ी में है, पहाड़ का नाम है, क्या पहाड़ का नाम है बाबा? धनिया पहाड़ी। धनिया पहाड़ी है, और जरासंघ की बेटी यहाँ पे आती थी, महाभारत काल से इसका इतिहास रहा है, और उस समय धनिया जो है यहाँ पे आती थी, और धनिया जो है माँ गंगे जी का आराधना करती थी, और पानी यहाँ से लेकर भोले बाबा पे चढ़ाती थी, भोले बाबा का पूजा करती थी। जी हाँ, भोले बाबा की पूजा करती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्या बात सही है? अगर उसे खत्म करें तो पहले ही गंगा को खत्म करें। हाँ। तब साबित हो जाएगा कि अगर डेंगू है। हाँ। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि बड़ा डेंगू भी तो हो सकता है सनातन धर्म। हाँ। कि जो कि आज तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता है, सही नहीं कर सकता नहीं। उनको क्या बोलना चाहते हैं इस चमत्कार के बारे में, जो बोलेंगे इसको ढोंग है, अफवाह है, सही फालतू का वीडियो बना रहा है, तो वो तो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं होता है, झूठ तो कितना भी कोई भी बोल सकता है। हाँ, यहाँ आकर के देखें और यहाँ झूठ साबित करके दिखा दें। यहाँ पे लोग आ सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, तो बता दीजिए कैसे आना है यहाँ पे। यहाँ नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नारदीगंज थाना है। हाँ। और नारदीगंज थाना से पश्चिम साइड में धनिया पहाड़ी है। हाँ। वो धनिया पहाड़ी बोलने फेमस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी बोलने से, नहीं तो फिर हम लोगों को फोन करके वो आ सकते हैं। बिहार के अभी हम नवादा जिले में है, और नवादा जिले का ये धनिया पहाड़ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आते हैं। पीछे भोले बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा के लिए यहाँ से पानी भी लोग ले जाते हैं। जी हाँ, पानी ले जाते हैं, आज भी ले के लिए। जी आज भी ले जाते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये चमत्कार ही है, सनातन धर्म का चमत्कार है जो मैंने दिखाया आपको, और कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है। पानी और निकलेगा क्या थोड़ा सा? ये देखिए, ये देखिए गंगा जी का ये शुद्ध पानी है, एकदम साफ है, क्लीन है, और कहीं ना कहीं ये चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म क्या है, तो देख लीजिए सनातन धर्म ये है, और मुझे प्राउड है, गर्व है कि सनातन धर्म का ऐसे ऐसे चमत्कार अभी भी देखने को मिलता है बाबा। जी हाँ, अभी भी मेरे सामने देख रहे हैं, देखिए। हाँ। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो उनको भी बुलाइए, वो भी देख लेंगे। हाँ। आप भी आ सकते हैं, बेशक आइए, यहाँ पे परीक्षा लीजिए, और कहीं ना कहीं आप भी पाएंगे कि यहाँ पे जो है माँ गंगे आती है। अच्छा बाबा, यहाँ पे तो पानी आ रहा है, सुना है कि आसपास में पानी की कमी है। वो तो कहा गया कि देखिए बरसात नहीं होने का कारण तो लेयर हर जगह भाग गया है,
तो हमारे गांव का आसपास भी गांव है, उसका भी लेयर भाग गया है। लेकिन हमारा शंकर भगवान का लेयर नहीं भागा है। अच्छा, शंकर भगवान का लेयर हमारे 24 घंटा है। मतलब यहाँ के गांव के आस, पहाड़ के आसपास जितने भी गांव है वहाँ पे पानी की किल्लत है। जी हाँ, और यहाँ पे पानी ऐसे ही गंगा माँ आ जाती है, तीन बार बोलने से देख सकते हैं। अरे कहाँ से पानी आ रहा है, कुछ पता है आपको? नहीं कुछ, बस वही खाली हम लोग को पूर्वज बताते हैं कि सात खटिया का इसमें रस्सी चला गया। आज तक इनका पता नहीं चला कि कितना गड्ढा है। सात खटिया का रस्सी इसमें चला गया है, फिर भी पता नहीं चला। नहीं पता नहीं चला आज तक। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चट्टान है, बड़ा सा चट्टान है, और चट्टान के बीचों बीच ये छोटा सा आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से कहा जाए ये गुफा बना हुआ है छोटा सा, और गुफा में ही पानी निकलता है, और यहाँ से पानी लेकर कितना मुश्किल से लोग जाता है, भोले बाबा पे चढ़ाता है। जी हाँ जी। बहरहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।